गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, हम लोग औ की मात्रा को हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज मैं आपको औ की मात्रा से संबंधित खाली स्थान को करवानी हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई हुई है, इन पिक्चर्स को देखकर आपको खाली स्थानों को भरना है। तो देखिए, फर्स्ट पिक्चर आपकी क्या है? पेड़। सेकंड पिक्चर आपकी क्या है? कौवा। थर्ड पिक्चर आपकी क्या है? लौकी, पौधा और हथौड़ा। ठीक है, तो देखिए, नंबर वन देखें। पल काला बैठा है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? पेड़। पेड़ है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे पेड़। एक ही मात्रा है, पेड़। पेड़, ओके। पल काला, अब ये क्या है? कौवा। तो कौवा कैसे लिखते हैं? मैंने आपको दूसरा शब्दों में भी लिखवाया है, क में औ की मात्रा लगाइए, कौ आ, कौवा। ठीक है, बैठा है, ओके। नेक्स्ट लिखिए, मोसी, सॉरी मोजी है यहाँ पे, मोजी राम बाजार से, ये क्या चीज है? लौकी। तो लौकी कैसे लिखते हैं? ल में औ की मात्रा लगा दीजिए, लौ, ग में ई की मात्रा, लौकी, ओके। लौ की, लौकी लाया, ओके। नेक्स्ट देखिए, चोबे, ज में ई की मात्रा लगी, जी, न में ए, ने, एक, अब ये क्या है? पौधा। तो पौधा कैसे लिखना है आपको? प में औ की मात्रा, पौ और धा, पौधा। लगा या लगाया, ओके। चोबे, जी ने एक क्या है? पौधा लगाया, ओके। अब देखिए, लुहार, ल में उनकी मात्रा, लुहार, न में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है, ए। लुहार ने क्या चीज है? हथौड़ा। लिखिए, ह कोई मात्रा नहीं है, थो, थ में औ की मात्रा, थो, ड में आ की मात्रा, हथोड़ा, हथोड़ा, उठाया, ओके। अब जो मात्रा हम लोग आपको पहले करवा चुके हैं, तो आपको उनको उनका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप लोग अपना बुक रीडिंग जो है वो चालू रखें। तो देखिए, एक बार हम रिपीट करते हैं। पेड़, पर, काला, कौवा, बैठा है, मोजी, राम, बाजार से, लौकी लाया, चोबे, जी ने एक क्या है? पौधा लगाया, लूहार ने हथौड़ा उठाया, ओके। तो आपको भी इस तरीके से सभी मात्राओं को पढ़ना है और इन चित्र को देखकर आपको खाली स्थान को भरना है। ये जो वर्क है बेटा, वो आपका बुक वर्क है और इसे आपको अपनी बुक में फिल करना है, ओके। थैंक यू।